स्वागत है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं कि मैं कौन सा फॉरेक्स ब्रोकर यूज करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए, और ये बहुत सारे कमेंट आए हैं उसी बेस पे। मैं काफी को रिप्लाई भी किया है और काफी क्वेश्चन मुझे आपने इंस्टाग्राम पर भी पूछे हैं कि मैं कौन सा ब्रोकर यूज कर रहा हूँ और लीगली कैसे ट्रेड कर रहा हूँ इंडिया में। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मैं एक एक का जवाब देने लगा। मुझे लगा कि बहुत टाइम लग जाएगा, क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। फॉरेक्स ब्रोकर पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो जो पर्सनल ब्रोकर मैं यूज करता हूँ उसके बेस पे मैंने ये वीडियो बनाया। अब ट्रेडिंग लीगली कैसे करना है, क्या वो ब्रोकर सेबी अप्रूव्ड है या नहीं है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो सेबी अप्रूव्ड इंडियन ब्रोकर है और जो फॉरेन ब्रोकर है, कौन से मैं यूज कर रहा हूँ, मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, कैसे मैं लीगली यूज कर रहा हूँ, तो इसी चीज को हम इसमें समझेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो पर्सनल ब्रोकर मैं यूज करता हूँ उनकी कंपैरिजन करेंगे, किस बेस पे मैं इन ब्रोकर को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है सेफ्टी की ब्रोकर कहीं मेरा पैसा लेके न भाग जाए, दूसरा क्या वो MT4 या MT5 प्लेटफॉर्म दे रहा है या नहीं दे रहा है, और तीसरा इंडियन बैंक में डिपॉजिट है या नहीं है। मैं बाहर फॉरन रिजर्व यूएस डॉलर नहीं भेजना चाहता, मैं केवल इंडिया में ही पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो वो ब्रोकर फैसिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। इन चीजों को हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे किस ब्रोकर में है नहीं और मैं क्यों फॉरन ब्रोकर यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं पर्सनल ब्रोकर यूज कर रहा हूँ उसमें अकाउंट कैसे खोलें। अकाउंट केवल आप $1 से खोल सकते हैं। उसमें क्या डिपॉजिट का मेथड है, कैसे विड्रॉ करना है इंडियन बैंकिंग के थ्रू, जो मेरा ये फेवरेट ब्रोकर है, क्यों है, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अकाउंट खोलना है उस ब्रोकर में, उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप मेरी मेंबरशिप के अंडर इस अकाउंट खोल सकते हैं। सो जो तीन चार ब्रोकर मैं पर्सनली यूज करता हूँ, एक में मैं आपको अकाउंट खोलना बताऊंगा, दूसरे में आपको मैं बताऊंगा कि जो मैंने एक महीने में अकाउंट खोला है उसका मेरा मंथ का रिव्यू कैसा है, कितना मैंने प्रॉफिट कमाया, क्या मेरा डिपॉजिट विड्रॉल कर रहा, कितना टाइम लगा, क्या स्प्रेड है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, क्या प्लस माइनस है, क्या मेरी एडवाइस रहेगी। तो इन दो ब्रोकर के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँ। चलिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहें वहाँ पर पूछ सकते हैं, forex.salary या फिर forex.salary का पेज है फेसबुक पे, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से। हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारी बार मेरे से पूछा गया है, बहुत सारे कमेंट्स आपके आए हैं और इंस्टाग्राम पे भी आपने पूछा है कि कौन सा ब्रोकर मैं यूज करता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए इंडिया में। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कौन सा ब्रोकर यूज करता हूँ, क्या वो सभी अप्रूव्ड है या नहीं है, अगर वो है तो कौन से है, अगर वो नहीं है तो वो कौन से नहीं है, और मैं क्यों यूज करता हूँ, क्या मैं फेमा और RBI के अगेंस्ट, सभी के अगेंस्ट ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये इलीगल है नहीं है, वो सब क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस स्लाइड में मिलेंगे। तो रेदर देन कि मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई दूं, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और उसमें आपके सभी जवाब दिए जाए। तो सबसे पहले चलते हैं कि इंडिया में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। इंडिया में जो पार्सली मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया, अगर आपने नहीं देखा वो देखिए, उसमें मैंने बताया कि इंडिया में 7 पेयर ट्रेडिंग हम लीगली कर सकते हैं, यूरो USD, GBP USD, USD JPY, 4 इंडियन पेयर्स, और ओनली जो SEBI से रजिस्टर्ड है। तो अब फेमा कहता है कि क्या लीगल है क्या नहीं लीगल है, वो हम देखते हैं फेमा एक्ट क्या है। फेमा कहता है कि हमें डॉलर का मिसयूज नहीं करना है, किसी फॉरेन कंट्री में डॉलर नहीं भेजना है, और ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम फॉरेन रिजर्व को सेव करें। इसीलिए इंडिया में फॉरेक्स को अलाउड नहीं किया गया, क्योंकि लोग ट्रेडिंग करेंगे, डॉलर्स लूज होंगे और वो इंडिया के बाहर जाएंगे और इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व्स कम होंगे, तो इसीलिए फॉरेक्स में लिमिटेशन है, इसीलिए लिमिटेड किया हुआ है। अब बात आती है कि हम कैसे ट्रेड करें, कि हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लीगल है इलीगल है। RBI जो है, जो आप पहला पॉइंट देख रहे हैं, वो बैंक को रेगुलेट करता है, गवर्न करता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं। बैंक RBI किसी एक को ईमेल नहीं लिखेगा कि आपने ये किया है और ये डॉलर यूज करें, और एक एक को ईमेल नहीं लिखेगा, वो बैंक को यूज करें, ये बैंक का काम है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंडिविजुअल के अकाउंट में कोई इरेगुलर एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई वो फॉरन रिजर्व या बाहर पैसे भेज रहा है नहीं, ये बैंक का काम है। अगर वो बैंक नहीं कर रहा है तो बैंक को उसके अकाउंट ब्लॉक करना है, ये RBI या SBI नहीं है, वो देखिए। अब उसके लिए क्या है फॉरेन ब्रोकर में, इंडियन ब्रोकर जो है वो तो ठीक है पर फॉरेन ब्रोकर नहीं कर सकते थे, तो फॉरेन ब्रोकर ने क्या किया हुआ है, इंडियन बैंक्स में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, वो इंडियन बैंक्स के थ्रू पैसा ले रहे हैं, मतलब आपका पैसा इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, इंडिया के किसी बैंक में डिपॉजिट होगा और वो वहां पे क्रेडिट होगा। जब भी आप कोई बैंक से ट्रांसफर करें फॉरेन ब्रोकर में, तो देखें कि उसके पास इंडियन बैंक की फैसिलिटी है या नहीं, UPI इंडियन बैंक में पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। और जब भी पैसा ट्रांसफर करें, कोई बैंक कार्ड या क्रेडिट कार्ड ना यूज करें, क्योंकि इससे डायरेक्ट लिंक होता है, अगर वहां से डॉलर कटे वो आपका वो अकाउंट ब्लॉक होगा, बैंक वहां पे एक्शन लेगा और आपके कार्ड भी ब्लॉक होगा। तो यहां पे फॉरेन ब्रोकर यूज कर सकते हैं जहां पे इंडियन डिपॉजिट के सिस्टम हो, क्योंकि मनी बाहर नहीं जाएगी और इंडिया में ही रहेगी। अगर आपको फॉरेन ब्रोकर यूज करने जिसमें इंडियन की फैसिलिटी नहीं है, तो आप नेटलेर पेपाल या स्किल यूज कर सकते हैं, पर वहां पर आपको कमीशन देना पड़ता है। यहां पे इंडियन बैंक डिपॉजिट का ऑप्शन वो फॉरेक्स ब्रोकर दे रहे हैं, तो इस बेटर है कि वहां पे लें। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर आप SBI रेगुलेटेड करते हैं फिर तो ठीक है, अगर आप फॉरेन ब्रोकर से यूज कर रहे हैं जहां पे वो इंडियन बैंक में दे रहे हैं, आपका पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा, तो
आप क्या कर रहे हैं? आप कोई मिस यूज ऑफ डॉलर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरन रिजर्व, आप फॉरन रिजर्व सेव कर रहे हैं, तो आप वायलेशन क्या कर रहे हैं? यह एक लूप होल्स है जो हम लूप होल्स का फायदा उठा रहे हैं। अब अगर आप किसी सीए के पास जाएं, टैक्स कैलकुलेट करवाते हैं, वो लूप होल्स देखता है कि आपके टैक्स कैसे बचाए जाएं, क्या है लॉ में किसके अगेंस्ट हम जाके सेव कर सकते हैं जितना पैसा, ये सभी करते हैं और यही हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमें केवल ये देखना है कि क्या हमें डॉलर मिसयूज नहीं करने, फॉरेन रिजर्व सेव करने हैं, हमें बाहर पैसा नहीं भेजना है, हम नहीं कर रहे हैं बाहर पैसा। फॉरेन ब्रोकर में अकाउंट खुल रहा है, वो बाहर हो रहा है, ब्रोकर कोई इंडिविजुअल अकाउंट की शेयर डिटेल करने वाला है नहीं, किसी बैंक से या आरबीआई से। तो चलिए देखते हैं। पहले आप पूछते हैं कि हमें तो एसबीआई से रेगुलेटेड ब्रोकर ही यूज करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको दो ब्रोकर बता दूंगा जो इंडिया में है, सेबी रेगुलेटेड है, एक है एंजल ब्रोकिंग, दूसरा है इंटरएक्टिव ब्रोकर। एंजल ब्रोकिंग जो है वो इंडियन ब्रोकर है, उसमें बात यह है कि फिर यहाँ पे क्या होता है, आप ओनली 7 पेयर ही ट्रेड करेंगे जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये यूरोएसडी, जीबीपी, यूएसडी, यूएसडी जेपीआई और 4 आईएनआर पेयर, और ये 24/7 भी नहीं होगा, जैसे ही इंडिया की मार्केट क्लोज होगी तो ये भी आपको 6-8 घंटे की मिलेगा, और यहाँ पे कॉस्ट भी जो है सभी के अगेंस्ट चलेगी, तो यहाँ पर वो फायदा नहीं रह जाता है। हम इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, एंजल ब्रोकिंग, इनकी ब्रोकिंग है, क्या ये ऑफर करते हैं, करंट ऑफर्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस में जाइए, प्रोडक्ट एंड सर्विस में करेंसी ट्रेडिंग में, आप यहाँ पे पढ़े तो यहाँ पर आप अकाउंट खोल सकते हैं, ये यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी यूएसडी जेपीवाई आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन इंडियन एक्सचेंज। तो यहाँ पर आप ओपन डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, और यहाँ से ये 4-5 स्टेप्स हैं, आप डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे अगर आपको सेफली बिल्कुल करना है तो आप यहाँ से ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर बात वही है, यहाँ पे आपको लिमिटेड पेयर मिलेंगे, लिमिटेड टाइम मिलेगा, कॉस्ट भी हाई रहेगी। दूसरा इंटरेक्टिव ब्रोकर, ये रजिस्टर्ड है, मैंने इनसे अकाउंट खोलने की कोशिश करी, इनका प्रोसेस इतना स्लो है, सपोर्ट इतनी बेकार है कि रिप्लाई भी मेल में आएगा 3 दिन बाद, ये डॉक्यूमेंट मिस है, ये नहीं है, ये दो, टू मेनी रिक्वायरमेंट्स, और MT4 MT5 प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो पॉपुलरली यूज होता है ट्रेडिंग के लिए। मैंने एक महीने के बाद इनसे गिव अप कर दिया कि मैं इनसे अकाउंट नहीं खोलूं। यहाँ पे मैं अकाउंट नहीं खोला क्योंकि 7 पेयर है, मुझे इनमें क्या ट्रेडिंग कर लेंगे आप, ये 3 पेयर, बाकी 4 में तो INR में तो एक्जॉटिक पेयर है, उसमें आपको स्प्रेड भी इतना देना पड़ेगा, कॉस्ट भी हाई रहेगी, तो आप क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। अब आते हैं जो नॉट सेबी रेगुलेटेड ब्रोकर है, पर वो जो मैं यूज करता हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं मैं कौन से यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ एक्सनेस, मैं यूज करता हूँ XM, और मैं यूज करता हूँ OctaFX। ये 3 ब्रोकर हैं जो मैं पर्सनली अपने अकाउंट के लिए यूज करता हूँ, ये 2 और हैं टिकमिल और पेपरस्टोन, जो मैं फॉरेन क्लाइंट के लिए यूज करता हूँ, वही मेरे वही इन ब्रोकर में अकाउंट खोलते हैं, मुझे केवल बस ट्रेडिंग करनी होती है, ना मैं इससे विड्रॉ करता हूँ ना डिपॉजिट करता हूँ, तो मुझे बस पैसा उनसे आना है, तो उसके लिए मैं ये 2 यूज करता हूँ, बाकी मैं पर्सनल यूज के लिए ये 3 यूज करता हूँ। इनमें क्या है, सारे करेंसी पेयर आपको मिलेंगे, इंडिया बैंक डिपॉजिट और विड्रॉल मिलेगा, ये 3 में मैं बात कर रहा हूँ, OctaFX, XM और XNS की। तो टिकमिल और पेपरस्टोन को तो बोल जाइए, लो कॉस्ट रहेगी, 24/7 है, आप जब करना चाहें, सेफ्टी है, डिपॉजिट जो विड्रॉल है इंडियन बैंक के थ्रू है, ऑल द टाइम है, स्प्रेड कॉस्ट भी लो होगी, ये चीजें हैं जो 4 चीजें आपको देखनी है। उसके बाद जब भी आप अकाउंट खोलें किसी ब्रोकर में, आपको क्या चाहिए होता है, एक तो सेफ्टी चाहिए होती है, दूसरा डिपॉजिट विड्रॉल इंडियन बैंक के थ्रू है तो आप सेफ है, विड्रॉल में डिपॉजिट में टाइम कितना लग रहा है, कहीं पूरा हफ्ता तो नहीं बैठना पड़ेगा, स्प्रेड कॉस्ट कितनी है, चार्जेस तो नहीं है डिपॉजिट और विड्रॉल में, और क्या उनके पास MT4 MT5 नहीं है, तो कम जब भी आप ब्रोकर चूज करें तो केवल ये चीजें चेक करें कम से कम कि आपका पैसा सेफ है नहीं, कहीं ब्रोकर ले गया तो भाग नहीं जाएगा, डिपॉजिट विड्रॉल के लिए इंडियन बैंक है या नहीं है, और स्प्रेड कॉस्ट कितनी है और चार्जेस कितने हैं और MT4 MT5। इन सभी ब्रोकर को चलो हम कंपेयर करते हैं, ये 3 ही नहीं, मैं और भी ब्रोकर आपके साथ शेयर करूंगा, पर्सनली मैं ये 3 यूज करता हूं जो मैंने आपको बताया। ये ब्रोकर कंपैरिजन का चार्ट है, इसको समझने के लिए ये 10 ब्रोकर मैंने यहां पे लिखे हैं, इसमें पहले आपको सेफ्टी के लिए समझना होगा कि कौन सा ब्रोकर सबसे ज्यादा सेफ है, जिसके पास फर्स्ट ईयर का लाइसेंस होगा, फर्स्ट ईयर के लाइसेंस कौन से होते हैं, ये है फर्स्ट ईयर के लाइसेंस जो कि हाई ट्रस्ट के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एसी का ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का है, हांगकांग जापान का FSA है, मोस्टली जो पेपर पॉपुलर है FCA से होते हैं या ऑस्ट्रेलिया से होते हैं ASIC, ये 2 जो है मेन माने जाते हैं, उसके बाद FSA भी आ जाता है, और तो अगर FCA ASIC है तो वो कम से कम सेफ है। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट ईयर के ये हैं इसमें लिखा है कौन कौन से हैं, दूसरा है सेकंड ईयर का, अगर वो फर्स्ट में नहीं है तो सेकंड में साइसेक है, जो साइप्रस का है, और तीसरा ये लास्ट में कॉलम देखा है कि बैंक में डिपॉजिट है, विड्रॉल है नहीं, क्या हम सेफ है, हम यूएस डॉलर बाहर तो नहीं भेजने पड़ेंगे, या फिर हमें पेपाल के लिए नेट डॉलर यूज करना पड़ेगा, पर उसमें कमी देना पड़ेगा। तो जो मैं पहला ब्रोकर मैंने बताया मैं एक्सनेस यूज करता हूँ, वो FCA है, FSA अप्रूव्ड है और साइसेक है, तो उसमें कम से कम 3 सर्टिफिकेट तो है, तो मुझे यहाँ पर ये अप्रूव है कि एक्सनेस सेफ्टी वाइज मेरा ये ब्रोकर सबसे ठीक है, ये कहीं पैसा लेके भागने नहीं वाला, क्योंकि FCA जो है और ये जो अथॉरिटी है ये रिस्पॉन्सिबल है, और इनके अगेंस्ट मतलब अगर कुछ होता है इन ब्रोकर को तो वो आपको प्रोवाइड सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। दूसरा आता है वेंटेज FX, इसमें इंडियन बैंक डिपॉजिट नहीं है और उसमें केवल सर्टिफिकेट भी ASIC है, पर इनका ये सर्टिफिकेट भी एक्सपायर होने वाला है, तो यहाँ पर मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। इन्फिनॉक्स है जो आप पूछते हैं, मैंने सभी ब्रोकर को लिया जो इसके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, मैंने सभी को चेक किया है, इन्फिनॉक्स पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें ये FCA से है
पर इसमें इंडियन बैंक का डिपॉजिट का विड्रॉल नहीं है, आपको ये नेट एलर या थर्ड पार्टी यूज करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। नहीं तो एफसी है तो ये भी यूज कर सकते हैं। कवाना कैपिटल, ये रेगुलेटेड बिल्कुल नहीं है, तो इसको तो मैं बिल्कुल ही यूज नहीं कर सकता। किसी भी अथॉरिटी से रेगुलेटेड नहीं है, के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है इंडियन बैंक्स में, ये डिपॉजिट देते हैं। फिर आता है एक्सएम, एक्सएम में एसिक का सर्टिफिकेट है, जो फर्स्ट ईयर का एक लाइसेंस है इनके पास और सेकंड ईयर का दो, तो कम से कम ये कुछ सेफ है। मतलब कि एक्सनेस आप देखेंगे सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे अब तीन है, यहाँ पे एक्सएम के पास दो है। फिर आता है ओक्टा एफएक्स, जो मैं यूज करता हूँ, और उसमें केवल सेकंड ईयर की सिक्योरिटी है, उसके बाद फर्स्ट ईयर का कुछ नहीं है। तो ओक्टा एफएक्स के ऊपर मैं एक रिव्यू बनाऊंगा कि मेरा जो एक महीने का मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इसको चेक कर रहा हूँ, एक महीने से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या परफॉर्मेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एक्सनेस में आप अकाउंट कैसे खोल सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिर आता है आईक्यू ऑप्शन, आईक्यू ऑप्शन में भी केवल एक ही है, वो भी सेकंड ईयर का, इंडियन के थ्रू आप इसमें भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ऑल इन ट्रेड ऑफशोर लाइसेंस है, तो इसमें बिल्कुल भी ना करें। इन दो ट्रेड, कमाना कैपिटल और ऑल इन ट्रेड, इन दोनों को तो अवॉइड करें, मैं तो ये कहूँगा। एफएक्सटीएम, इसके पास काफी अच्छे लाइसेंस हैं, तीनों लाइसेंस हैं, देखिए एफएससी, साइसेक और एफसीए का। पर ग्लोबल पे में यहाँ पर यूपीआई यूज कर सकते हैं, कोई डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग से नहीं है, पर ग्लोबल पे ये आप यूज करते हैं, उसके थ्रू आप यूपीआई से इसमें इंडियन बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। एपीएस के पास केवल एक है, वहाँ पे इंडियन एक्सचेंज कैशियर के थ्रू आप यूज कर सकते हो। जो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, मैं यूज करता हूँ एक्सनेस, मैं यूज करता हूँ एक्सएम और मैं यूज करता हूँ ओक्टा एफएक्स। ओक्टा एफएक्स जो है लीस्ट सिक्योर है जो मैं यूज करता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी वाइज यहाँ पे ये थोड़ा मेरे को गड़बड़ लगा, तो इसमें ज्यादा पैसे मैं रखता नहीं हूँ, केवल सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्या है चेक करने के लिए। मैं ब्रोकर को चेक करता रहता हूँ कौन सा ठीक है, कुछ किसी में कुछ एक्स्ट्रा है कुछ नहीं है, तो ये तीन ब्रोकर मैं यूज करता हूँ। अगर आपको ब्रोकर यूज करना है तो मैं कहूँगा एक्सनेस को यूज करिए, बेटर है, इतने डिपॉजिट है, अच्छे सर्टिफिकेट इनके पास। अगर आपको अकाउंट खोलना है इसके अंदर तो मुझे बताइए, या मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इसका, आप मेरी मेंबरशिप के अंदर इसके इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप मुझे भी बता सकते हैं इससे रिलेटेड, तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी ने इसमें प्रमोट नहीं किया, पर वो जस्ट बताने के लिए कि एक्सनेस आप यूज कर सकते हैं। आप ओक्टा एफएक्स भी यूज कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको लिख दे दूँ, पर मैं आपको पहले वॉर्न कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे सेफ्टी वाइज केवल उनके पास एक ही सर्टिफिकेट है। आप एक्सएम यूज कर सकते हैं, उनके पास दो है, एसिक्स है और सेकंड ईयर का ये साइसेक है। तो पहले लेवल पे एक्सनेस, दूसरे पे एक्सएम, तीसरे पे ऑक्टा एफएक्स। अगर आप एफएक्सटीएम में खोल सकते हैं वहाँ पे कर सकते हैं तो वो भी ठीक है। तो मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर ये होंगे, दो मैं अवॉइड करने के लिए कहूँगा, कबाना और ऑल इन ट्रेड। इनफियोक्स में भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करना चाहें तो ये मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर हैं जो मैं ये कहूँगा कि आप यूज करें। बाकी मैंने आपको सर्टिफिकेट बताए हैं क्या सर्टिफिकेट हम यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक्सनेस में अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, ताकि अगर आपको अकाउंट इसमें खोलना हो तो। और उसके बाद हम ऑक्टा एफएक्स में जो मेरी जर्नी है एक महीने की, क्या प्रॉफिट रहा है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक्सनेस में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो। इसमें अकाउंट खोलना बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं है। आप एक्सनेस के पेज पे जाइए सीधा, अगर आपको अकाउंट खोलना है सीधा क्रिएट एन अकाउंट में जाइए, अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस डालिए, इंडिया, ईमेल एड्रेस जो भी आपको देना है, पासवर्ड दीजिए और कंटिन्यू कीजिए, वहां से आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये आपको ये सेक्शन दिखाएगा, माय अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, एनालिटिक्स। इनका डिपॉजिट एंड विड्रॉल बहुत इजी है, यहाँ पर अकाउंट भी आप खोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के अकाउंट आपको खोलने हैं, कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं आप, डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर आप इस सेक्शन में जाएंगे, ओपन न्यू अकाउंट, तो ये आपको दिखाएगा किस तरह के अकाउंट आप खोल सकते हैं। पहला जो है स्टैंडर्ड अकाउंट है, जिसमें स्प्रेड 0.3 है, नो कमीशन है, मिनिमम डिपॉजिट $1 से इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। आप डेमो भी ट्राई कर सकते हैं इसका, जो सभी के लिए है। दूसरा है स्टैंडर्ड सेंट, इसमें माइक्रो लोड आपको मिलेंगे, कंडीशन जो सेम यहाँ पे है यहाँ पे भी वही है, $1 से आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। फिर आते हैं थोड़े प्रोफेशनल लेवल पे, यहाँ पे है कि यह है रॉ स्प्रेड का अकाउंट है, जिसमें स्प्रेड तो जीरो है, पर यहाँ पे आपको कमीशन देना पड़ेगा और ये $500 से खुलेगा। दूसरा, फिर इसमें तीन अकाउंट है, जीरो स्प्रेड है, जीरो है और प्रो है। जीरो में भी वही कंडीशन है जो यहाँ पर है, प्रो में स्प्रेड थोड़ा ज्यादा है, मतलब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 0.1 है, पर यहाँ पे कमीशन नहीं है। तीनों अकाउंट $500 से खुलेंगे। तो ये तीन ये हैं इनके पांच तरह के अकाउंट जो आप खोल सकते हैं, $1 से या $500 से। इनके दो प्लेटफॉर्म है जो ये यूज करते हैं, MT4 है, MT5 है, और या फिर आप सी ट्रेडर, वेब ट्रेडर के बेस पे भी खोल सकते हैं। फिर आते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल के क्या ऑप्शन है। डिपॉजिट विड्रॉल में यहाँ पे इंडियन बैंक के ये ऑप्शन है, बिटकॉइन है, फोन पे है, UPI के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। तो अब अगर आप इंडियन बैंक से यूज करना चाहें या UPI सीधा आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर टू, यहाँ पे जाइए, कोई भी अकाउंट आप खोलिए। मान लीजिए यहाँ पे कुछ 40,000, मैं अभी कोई करूँगा नहीं, मैं जैसे एक ट्रांजेक्शन दिखाना चाह रहा हूँ डिपॉजिट करने के लिए। ये आपकी कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट,
आप कंफर्म करेंगे और ये आपको ले जाएगा, या तो आप नेट बैंकिंग अपने बैंक जो भी बैंक है आप उसके थ्रू इसको सिलेक्ट कीजिए और पे पे जाइए, आपके अपने ये आपको आपके बैंक पे ले जाएगा, वहाँ पे अपना लॉगिन पासवर्ड डालिए और अप्रूव कीजिए, ये आप वहाँ से इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। आप UPI कोई सा भी पेटीएम पे जीपे या भीम ऐप है जो भी नंबर आप अपना फोन नंबर डालिए और ये ले जाइए, आप अपनी ऐप में यहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं या जीपे गूगल पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है यहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं और बाकी ऑप्शन है आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं, बिटकॉइन यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है देखने के लिए। अब बात आती है इसमें कितना मिनिमम डिपॉजिट है, कितना विड्रॉल है। तो मिनिमम डिपॉजिट जो मैंने आपको बताया था वो $1 है और $500 है, बाकी ये है जैसे ऑनलाइन बैंकिंग में आपको मिनिमम बाद में $15 तो डिपॉजिट करना होगा, विड्रॉल भी कम से कम $15 होना चाहिए, $2600 यहाँ पे लिमिट है विड्रॉल करने की ऑनलाइन बैंकिंग से, मतलब 15 से कम नहीं कर सकते, 2600 से ज्यादा नहीं कर सकते। इंटरनेट बैंकिंग में कोई ज्यादा इन्होंने लिखा नहीं है, केवल $3 है, और ये ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर 1 की लिमिट थी। ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर 2 में कोई लिमिट नहीं है, देखिए जो मैं यूज कर रहा था अभी आपको दिखाया है। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर में यारपे है जो एक ऐप है, यारपे उसके थ्रू ये करते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यारपे तो स्क्रिल यूज कर सकते हैं, परफेक्ट मनी, नेटेल और बैंक कार्ड मत यूज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आपके अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पर आप इंडियन बैंक ऑनलाइन बैंकिंग यूज करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपॉजिट में जो मैंने बताया था टेबल में, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर ये यारपे के लिए है, तो ये आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको यारपे ले जाएगा। दूसरा ये है ऑनलाइन बैंकिंग जहाँ पे आप UPI GPA या अपना ऑनलाइन बैंक यूज कर सकते हैं। UPI यहाँ से मत कीजिए, ये इसमें प्रॉब्लम दिखाता है, या फिर ऑफलाइन जो मर्चेंट के थ्रू होती है तो ये ऑप्शन है आप यूज कर सकते हैं, बिटकॉइन जो भी है, और यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है। सेम ये विड्रॉल है, इसमें भी आप जो ऑप्शन आप यूज कर रहे हैं डिपॉजिट करने के लिए वही ऑप्शन आप विड्रॉल के लिए यूज करें, नहीं तो आपको विड्रॉल करने में प्रॉब्लम होगी। विड्रॉल मेरे मुझे जो आ जाते हैं वो 3 घंटे या 1 दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं, इससे ज्यादा मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है। 2 घंटे में भी आ जाते हैं, 3 घंटे में भी, कभी कभी 1 दिन लग जाता है, इससे ज्यादा कभी टाइम लगा नहीं है। तो अगर आपने ऑनलाइन से यूज किया है तो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर यूज कीजिए, आपने नेट टेलर यूज किया जिस वे से आपने डिपॉजिट किया है उसी से आप इसको निकालिए। निकालने पे कोई चार्जेस नहीं है, ये चार्जेस नहीं लगाते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर आप इसकी ग्राफिक टेबल पे फिर जाएं, जो कमीशन है यहाँ पे, जो आप कमीशन का पेज देख रहे हैं इसमें यहाँ पे 0 है, केवल स्क्रीन में 0.5% ये चार्ज कर रहे हैं, बाकी किसी में भी डिपॉजिट कराने पे कोई चार्जेस नहीं है और विड्रॉल करने पे भी कोई चार्ज नहीं है स्क्रिल के अलावा। तो स्क्रिल में केवल 2 जगह ये चार्जेस ले रहे हैं। तो ये एक ब्रोकर है। ब्रोकर में खास बात यह है कि इस ब्रोकर के पास 3 सर्टिफिकेट है, FCA का जो सबसे Tier 1 का No. 1 सर्टिफिकेट है, ASICS है जो ऑस्ट्रेलिया का सर्टिफिकेट है, FSA है जो साउथ अफ्रीका और ये सेंचलाइजी का सर्टिफिकेट है। तो 3 Tier 1 के सर्टिफिकेट हैं, तो सेफ्टी वाइज ये ब्रोकर बेस्ट है, अच्छा है, मतलब कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि पैसा लेके कहीं भागे। अगर आपको अकाउंट इसमें खोलना है, इस ब्रोकर में खोलना है, और मेरी मेंबरशिप के अंडर आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आप उस लिंक पे क्लिक करके अकाउंट खोल लीजिए तो आप मेरी मेंबरशिप के अंडर इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू तो आप मुझे भी रेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये OctaFX की 1 month का मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं, कुलवंत सिंह राणा, नहीं मेरा नाम ही है, फुल नाम है, जिसमें $996 है। ये अकाउंट मैंने 5 फरवरी को खोला, तो इसकी अब हम हिस्ट्री देखते हैं। अकाउंट मैंने छोटे अमाउंट से खोला $548। इनका और भी छोटा अकाउंट है, $100 से खोल सकते हैं। मैंने 548 से एक छोटा अकाउंट खोला स्वैफ्री का, क्योंकि मैं इस ब्रोकर को चेक करना चाहता था कि कैसे क्या है, स्प्रेड क्या है, स्वैप फ्री है, डिपॉजिट विड्रॉल और कैसे रहेगा। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप पहली एंट्री देख सकते हैं कि 5 फरवरी को मैंने अकाउंट खोला $548 से, और इसमें मैंने अभी तक 2 विड्रॉल तो कर लिए हैं, जो 17 फरवरी को किया है, 25 फरवरी को करा है, $100 के 2 विड्रॉल कर लिए हैं। और इसमें फिर मैंने ये ट्रेड लिए हैं जो आप ट्रेड देख सकते हैं, ये पहले रहा GBP USD, फिर EURUSD जो लॉस में गया, फिर USD JPY लॉस में गया, फिर USD CHF है, फिर XTA USD लॉस में है, फिर EURUSD प्रॉफिट में है, और फिर EURJPY प्रॉफिट में है। तो टोटल मिलाकर मैंने इसमें 7 ट्रेड लिए हैं, जिसमें से मेरे 4 प्रॉफिट में थे और 3 लॉस में थे। लॉस में थे पहला है आपका EURUSD लॉस में है, दूसरा USD JPY लॉस में है, और तीसरा ये XTI USD तीसरा लॉस में है, 4 प्रॉफिट में। तो कहेंगे 50-50%, आप कहेंगे कि 50% में विन में रहा, 50% लूजिंग में रहा। 50% विन में रहने के बाद भी मैं इसमें प्रॉफिट कमाया है अभी तक $648 का। मैंने आप देख सकते हैं नीचे प्रॉफिट 648.17, लेफ्ट में डिपॉजिट मैंने किए थे 548, 200 मैंने अभी तक निकाल लिए हैं, और अभी तक बैलेंस इसमें 996 है। तो अगर आप कैलकुलेट करें इसमें कि मैंने 50% विनिंग रेशो पे इसमें प्रॉफिट कमाया है 648 का 508 और 8 लगा के, जो कि 118% एक मंथ में रिटर्न है। तो क्वाइट
अच्छा है, मेरी इसमें स्ट्रेटजी अलग है, बाकी अकाउंट्स मेरे जो भी हैं उनमें अलग स्ट्रेटजी अपनाता हूँ। इसमें बस टेस्ट करने के लिए कि ये ब्रोकर कैसा है, इसलिए मैंने 2 विड्रॉल भी अभी तक लगाए थे चेक करने के लिए कि वो कैसे हैं। पर क्योंकि ओक्टा एफएक्स, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ओक्टा एफएक्स इंडिया में रजिस्टर्ड है, ऐसा भी अप्रूव्ड है, पर जब मैंने उनसे मेल में एक्सचेंज में बात की, क्योंकि बहुत सारे पूछ रहे थे, फिर मैंने चैट में भी पूछा कि रजिस्टर है नहीं, तो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव उनको इतनी डिटेल नहीं, वो सीधा कहते हैं नहीं है। पर जैसे मैंने ईमेल में उनको सेबी के ये डिटेल दी कि उनको उस सेबी में तो आपका डिटेल्स आ रही है, तो वो ओक्टा एफएक्स इंडिया की है, जो ओक्टा एफएक्स इंडिया की अलग कंपनी है जो शेयर मार्केट में डील करती है, उसका जो है ओक्टा एफएक्स इंटरनेशनल से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए सेबी अप्रूव नहीं है। मैंने इसलिए अकाउंट खोला था कि यह सेबी अप्रूव्ड है। मैं अब बात यह आती है कि ओक्टा एफएक्स के पास सर्टिफिकेट जो है सेफ्टी के वो ज्यादा नहीं है, वो केवल इनके पास एक ही सर्टिफिकेट है जो साइप्रस से है, जो टीयर 2 का सर्टिफिकेट है, तो लेवल 1 की सिक्योरिटीज में नहीं है। तो मैं इस अकाउंट में ज्यादा पैसे रखना नहीं चाहूंगा, तो मेरा जो भी 548 है ये मैंने 200 अभी तक निकाल लिया, तो मैंने जो अपनी अपना इनिशियल डिपॉजिट किया था वो निकाल लूंगा, जो प्रॉफिट बचेगा मैं केवल उसके बेस पे आगे ट्रेडिंग करूंगा। बाकी इसमें स्प्रेड जो है, स्प्रेड इन्होंने ठीक ठाक दे रहे हैं, क्योंकि स्वैप फ्री अकाउंट है तो स्प्रेड ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप ज्यादा दिन रखना चाहते हैं तो स्वैप फ्री खोलें, देखिए अगर इसमें राइट में स्वैप चार्जेस बिल्कुल नहीं है, मैं बल्कि पोजीशन होल्ड भी करी है। मेरा जो अलग अकाउंट मैं इसमें दिखाता हूँ उसमें स्वैप चार्जेस है, पर वहाँ पे मेरे को स्प्रेड कम मिलता है, जो मेरा एक्सनेस का अकाउंट है यहाँ पर स्वैप चार्जेस नहीं है, पर जो आप देख सकते हैं स्प्रेड काफी ज्यादा है, 10-15, 24-30, 20 तक जाता है, डिपेंड करता है। तो यही मैं रिव्यू करना चाहता कि आप भी इसमें अगर अकाउंट खोलें खोल सकते हैं, पर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि ज्यादा पैसे ना रखें इसमें, उतना ही रखें जितना आप इसमें ट्रेड करना चाहें, क्योंकि सेफ्टी वाइज ये थोड़ा मेरे को डाउटफुल लग रहा है। बाकी सबके डिपॉजिट विड्रॉल में कोई ज्यादा मेरे को परेशानी नहीं आई, अकाउंट खोलने में कोई परेशानी नहीं, विद इन एक दिन में इन्होंने अकाउंट खोल दिया। आधार कार्ड बस ये लेते हैं, और वो भी विड्रॉल के समय, डिपॉजिट के समय आपको देने की जरूरत नहीं है कुछ भी, डिपॉजिट आप कर देंगे ऑनलाइन बैंकिंग इंडियन बैंक के थ्रू है, विड्रॉल भी इंडियन बैंक के थ्रू है, विद इन 3 घंटे में मेरे को पेमेंट आ जाती थी। वैसे ये कहते हैं 24 घंटे या 3 दिन भी लग सकते हैं, पर विद इन 3 आवर्स पेमेंट आ जाती है। कहते हैं बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आती है, मैंने अभी तक बड़ी कुछ करी नहीं है, केवल 100 के 2 करे हैं, बाकी अपनी रेस्ट जो मैंने डिपॉजिट किया था उसको मैं विड्रॉ करूँगा। आई होप कि जो मैंने वीडियो आपको दिखाए हैं, जो फेमा के एक्ट है क्या बोलते हैं, कौन से ब्रोकर यूज करने चाहिए, लीगल है नहीं लीगल है, एक्सनेस में कैसे अकाउंट खोलते हैं, जो मेरा टॉप ब्रोकर है जो मैं यूज करता हूँ, उसका डिपॉजिट विड्रॉल और मेरा 1 मंथ की जर्नी जो ऑक्टा एफएक्स की है, ये तीनों जो वीडियो मैंने दिखाए हैं, उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इनसे, कुछ ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो अपने आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सके। अगर आपको ये कुछ वीडियो वैल्यूएबल लगा प्लीज़